इस बीच अब हम सर उनका रुक करें, उस बीच एक और बड़ी खबर पहले बता देते हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है, रूस में बगावत पर पूरी दुनिया की नजर है। प्रिगोजिन के एक्शन पर नजर रखी जा रही है। यूरोपीय देश लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पुतिन के एक्शन पर भी नजर रखी जा रही है। तो जो भी हो रहा है उस पर यूरोपीय देश नजर बनाए हुए हैं, ये खबर भी निकलकर सामने आ रही है। बिल्कुल, और देखिए ये लगातार स्थितियां बदल रही हैं और रूस में बगावत पर पूरी दुनिया की नजर है। ऐसा नहीं है कि ये रूस के इंटरनल मामला है, बल्कि इस वक्त रूस में जो कुछ भी घट रहा है उस पर पूरी दुनिया की निगाह है। नेटो देश और इसके अलावा वेस्टर्न फोर्सेस की नजर भी है। फ्रांस रूस के हालात पर हमारी पैनी नजर है। फ्रांस ने ये स्थिति अपनी साफ कर दी है। जर्मनी ने भी ये कहा है कि रूस में जो कुछ भी हो रहा है उस पर हमारी नजर है। तो आपको बता देते हैं कि क्या है पूरा प्लान और इस वक्त स्थिति किस तरीके की बनी हुई है। रूस में बगावत पर पूरी दुनिया भर की निगाहें इस वक्त टिकी हुई है। फ्रांस की बात करें तो रूस के हालात पर हमारी पैनी नजर है, ये साफ कर दिया गया है। इसके अलावा बात करें जर्मनी की, तो रूस में जो हो रहा है वहां के हर एक्शन पर की उसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। ब्रिटेन की बात करें तो रूस इस वक्त सबसे बड़ी सुरक्षा चुनौती का सामना कर रहा है, ये भी साफ कर दिया गया है। जी बिल्कुल, तो पूरी दुनिया की निगाह है और जर्मनी ब्रिटेन फ्रांस हर कोई नजर रखा हुआ है कि आखिरकार रूस इस स्थिति से कैसे निपटेगा। राठौर सर, इसी पर मैं आ रहा था, पूरी दुनिया की निगाह इस वक्त रशिया पर और रशिया दो मोर्चे पर संघर्ष कर रहा है, लेकिन जो पिक्चर हमें दिख रही है क्या सिर्फ तस्वीर इतनी सी है या एक तस्वीर वो भी है जो अभी आज की तारीख में दुनिया नहीं देख पा रही है और उसको समझना बहुत जरूरी हो जाता है। देखिए विपिन, जो रूस जर्मनी फ्रांस और ब्रिटेन की आपने अभी रिस्पांस बताए जे, उससे साफ जाहिर है कि उन देशों को पता है कि ये सिर्फ एक टिप ऑफ द आइसबर्ग है प्रिगोजिन जे। इसके अंदर बड़ी पिक्चर अभी आनी बाकी है। अगर उन्हें कह रहे हैं कि सबसे बड़ी सुरक्षा चुनौती रूस आज फेस कर रहा है, तो वो ये रिवोल्ट नहीं है, वो हो सकता है कि ये सत्ता परिवर्तन में परिवर्तित हो जाए पूरी स्थिति। और वो अगर होता है तो रूस के पास न्यूक्लियर वेपन है, रूस के पास बाकी सारे सामान है, इसमें किस तरीके की डायनेमिक्स, किस तरीके का इक्वेशन डेवलप होगा उसकी बात कर रहे हैं। प्रिगोजिन के एक सिर्फ रिवोल्ट करने की बात ये सारे देश नहीं कर रहे हैं। Exactly. जो पैनी नजर है वो इस पे है कि क्रेमलिन में क्या होगा या क्या हो सकता है, व्हाट नेक्स्ट, यही सभी के मन में इस वक्त बड़ा सवाल है। और इस बीच एक बड़ी खबर का हम रुख करने जा रहे हैं। वोरोनेज में दिखा वैगनर ग्रुप का काफिला, जैसा कि मनीष पे भी बता रहे थे, वोरोनेज में ऑयल डिपो पर वैगनर का कब्जा है। रोस्तोव के बाद तेजी से आगे बढ़ रहा है वैगनर ग्रुप। मॉस्को से 500 किलोमीटर की दूर पर है वोरोनेज। एक बार फिर से मैं मनीष का ही रुख करना चाहूंगी। मनीष, कितना क्रूशियल हो जाता है यहाँ पर इस जगह पर पहुंच जाना वैगनर ग्रुप का? देखिए वैसे तो मॉस्को से वोरोनिस पहुंचने में या वोरोनिस से मॉस्को जाने में मुझे मुश्किल से 5 घंटे लगते थे, लेकिन अभी हालात ये हैं कि वहां पर जाम है, रोड ब्लॉक कर दिया गया है, M4 हाईवे को बंद कर दिया गया है। और यहां से 500 किलोमीटर तक अगर पहुंचते हैं वैगनर के इलाके तो ये अपने आप में बड़ी बात होगी, लेकिन एक बड़ी पिक्चर को हमें देखना चाहिए। दरअसल आज के इंसिडेंट ने पूरी दुनिया को एक संदेश दिया है, और वो संदेश ये है कि जो देश ये समझते थे कि प्राइवेट आर्मी को आगे करके ठेके पर सेना लेकर आप जंग लड़ेंगे, उनके लिए यही हश्र होगा। ये बात वो समझ लें कि ये लोग जो वैगनर ग्रुप के लड़ाके हैं, अब आप सोचिए कि आज उन्होंने अपने पर्सनल एम्बिशन के लिए कैसे उन्होंने अपने देश से बगावत कर दी है। तो इनकी कोई लॉयलिटी नहीं है, इनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, और जिन जिन देशों ने ये सोचा था, बिल्कुल मिसगाइडेड मिसाइल है मनीष। और एक बड़ी खबर आ रही है, माफी के साथ आपको रुकना चाहूंगा, वापस आपके पास लौटता हूं। और बड़ी खबर ये कि वोरोनेज के रूसी तेल डिपो पर हमला कर दिया गया, हेलीकॉप्टर से बम गिराया गया, और जिसके बाद ये तस्वीरें आसमान में उड़ता हुआ धुआं और लगी ये आग उसकी तस्दीक भी करती हुई नजर आ रही है। वोरोनेज में रूसी सेना और विद्रोहियों में जंग शुरू हो गई है, जिसका जिक्र और जिसकी आशंका हम लगातार व्यक्त करते थे। पूरे इलाके में लगातार सायरन बज रहे हैं और स्थिति अब भयावह होती हुई नजर आ रही है। संजय भारद्वाज सर, संजय सर ये बताइए स्थिति अब किस तरफ आगे बढ़ रही है, क्या कुछ होने वाला है, और जिस बात की आशंका हम व्यक्त कर रहे थे उसकी तस्वीरें सामने आना शुरू हो चुकी हैं। देखिए
एक दो बातें मैं क्लियर करना चाहता हूँ। पहली बात कि मुझे जो लग रहा है कि ये लड़ाई प्रिगोजिन और सर्जेई के बीच में है, ये पुतिन के साथ में लड़ाई नहीं है। देखिए, दूसरी बात, आप ये बात मत भूलिए कि अभी कुछ दिनों पहले एक सर्वे हुआ था जिसमें पुतिन की जो पॉपुलरिटी है वो 5% बढ़ी, अभी भी 80% वहाँ पे उनको सपोर्ट है, जो ओलिगार्क का सपोर्ट है पुतिन को है, तो पुतिन की सत्ता को कोई खतरा नहीं है। सिर्फ जो प्रिगोजिन का एक एम्बिशंस है वो भी खासकर जो जो रशिया की सेना है उसके खिलाफ ग्रीवेंसीज थे, वो जस्टिस की बात कर रहे हैं कि हमारे साथ जस्टिस नहीं हुआ, हमने जो किया। तो ये बात क्लियर है कि प्रिगोजिन बहुत बड़ा थ्रेट नहीं है, इसको ख़त्म कर दिया जाएगा। वो बढ़ रहे हैं, वो कितने सैनिकों के साथ बढ़ रहे हैं, रशियन अपने डैमेज के प्रति कॉन्शियस है क्योंकि उनकी लड़ाई बड़ी लड़ाई यूक्रेन की लड़ाई है, ना कि प्रिगोजिन की लड़ाई है। ठीक है जी, संजय सर की तस्वीरें एक बार फिर से अपने दर्शकों को दिखा देते हैं, तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ये ऑयल डिपो है जिस पर, जो रूसी ऑयल डिपो है उस पर किस तरीके से हेलीकॉप्टर से पहले बॉम्ब गिरा जाता है और उसके बाद एक है कि यहाँ पर जोरदार धमाका होता है, धुएं का पूरा गुबार उठता है और किस तरीके की स्थिति, किस तरीके के हालात इस वक्त इस इलाके में है ये हम दिखा रहे हैं। बिल्कुल प्रतिमा, और ये तस्वीरें इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसी ऑयल डिपो पर वैगनर्स ने कब्जा कर लिया है और वैगनर्स को पीछे हटाने के लिए रशियन फोर्स एयर स्ट्राइक कर रही है, हेलीकॉप्टर से बॉम्ब गिराया गया और जाहिर तौर पर जिस ऑयल डिपो पर कब्जा है अगर वहां बम गिरेगा तो फिर वैगनर फोर्स मारी जाएगी और यह उठता हुआ धुआं और यह आग का गोला उसी बात की तस्दीक कर रहा है। तो देखिए, लॉन्ग शॉट है यानी दूर से ली गई तस्वीरें और ये करीब से ली गई तस्वीरें हैं, जो दोनों तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरीके का यहां पर हमला हुआ है और हमला बड़ा हमला है क्योंकि ये पूरा ऑयल डिपो इस वक्त धू धू कर जल रहा है और यहां पर जिस तरीके से धुएं का गुबार उड़ रहा है, आसपास यहां पर आप लोगों का मूवमेंट, गाड़ियों का मूवमेंट भी देख पा रहे हैं, लेकिन ये बड़े हमले के तौर पर इन्हें देखा जा रहा है। और प्रतिमा देखिए, अगर क्लोज शॉट में देखेंगे इस सब पिक्चर को और बिग वॉल पर, तो यहां ऑयल टैंक भी आपको नजर आ रहा है। इस ऑयल टैंक के आगे एक दीवार है और इस दीवार के आगे इंटरनल संभवतः वो टैंक हो सकता है जो जमीन के अंदर होता है और इसी ऑयल डिपो पर कब्जा करने के बाद रशियन फोर्स को चैलेंज देने की वैगनर चीफ धमकी दे रहे थे और इसी तरफ आगे बढ़ता हुआ रशिया नजर आ रहा है। मनीष, ये तस्वीरें किस तरफ इशारा करती हैं और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि घड़ी की बढ़ती हुई सुइयां एक बड़ा संकट लेकर आ रही है और उस संकट की तस्वीरें ये तस्दीक करता हुआ जो विजुअल सामने आया है वो कर भी रहा है। बिल्कुल, देखिए मुझे तो ये लग रहा है कि जब वोरोनिस से वो मॉस्को की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे और वो तेल डिपो से अपने लिए ईंधन लेने की भी कोशिश करते होंगे, तो इसी आशंका से हो सकता है कि रूसी सेना की तरफ से इन सब पर अटैक किया गया है ताकि वहां पर उनको न्यूट्रलाइज किया जा सके, वहां पर उन्हें रोका जा सके, वहां पर उन्हें ईंधन लेने से भी मना किया जा सके। तो वोरोनिस के गवर्नर ने भी अभी कहा है कि वहां पर ऑपरेशन शुरू हो गया है ताकि उन सबको न्यूट्रलाइज किया जा सके, कंटेन किया जा सके। जी। और निश्चित तौर पर वैगनर के जो लड़ाके वहां मौजूद हैं उन्हें वहां पे खत्म किया जाएगा, इसी तरह से जो रोस्तोव में उन्हें रोस्तोव में घेरेबंदी की जाएगी। आप सोचिए, रोस्तोव से मॉस्को जा रहे हैं, रास्ते में हाईवे में जाएंगे तो आप पूरी तरह से रशियन एयरपोर्ट्स के टारगेट पर रहेंगे। बिल्कुल, और मनीष, कोशिश यहाँ पर ये की जा रही है जो जहाँ है उसको वहीं पर रोक दिया जाए, आगे बढ़ने से रोकने की ही कोशिश यहाँ पर होती हुई दिखाई भी दे रही है।